हिमाचल प्रदेश में चलने वाली नैरोगेज ट्रेन के विस्तारीकरण को लेकर कई बार कांगड़ा चंबा सांसद शांता कुमार ने कहा कि इस रेल लाइन को ब्रांड ग्रीस कर दिया जाएगा। पिछले चुनावों में भी इस रेल लाइन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन आज एक ही झटके में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शांता कुमार के सपने को पानी में बहा दिया। बयान ने तस्वीर बदल कर रख दी। धर्मशाला में कुछ देर के लिए आए रेल मंत्री ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेल लाइन का सर्वे किया, जिसमें उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। हवाई सर्वे करने के बाद रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की इस रेल लाइन को अगर ब्रांड क्यूज किया जाता है तो हिमाचल की खूबसूरती खराब हो जाएगी। इस बात से ये साबित हो जाता है कि भाजपा के सांसद की बात को रेल मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब जो सपना उनको दिखाया गया था वो भी पूरा नहीं होगा। हालांकि मंत्री ने कहा कि इस ट्रैक पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन लाइनों पर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। ट्रेन से पठानकोट से जोगिंदरनगर का सफर 6 घंटे में पूरा होगा। अभी ट्रेन 9 घंटे जोगिंदरनगर पहुंचने में लगाती है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे अधिकारियों को ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के विकल्प तलाशने के आदेश दिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक का हवाई निरीक्षण किया। हवाई निरीक्षण के बाद धर्मशाला के द पवेलियन होटल में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांगड़ा रेलवे स्टेशन को हेरिटेज का रूप देकर दोबारा संवारा जाएगा और इसे पर्यटन विकास में यूज किया जाएगा। उन्होंने पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक को ब्रांडग्रेस करने की बजाय नैरो लाइनों को नया रूप देने की बात कही। इसके लिए नई पटरियां बिछाई जाएंगी ताकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके। साथ ही रेलवे ट्रैक पर पड़ते रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने व रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा मुहैया करवाने की बात भी कही। ब्रॉडगेज का पहले प्लान बना था, पर मेरा मानना है कि ब्रॉडगेज लगाने से इतनी सुंदर रेलवे को हम खराब कर देंगे, और इसलिए मैंने रिव्यू करने का निर्णय लिया कि ब्रॉडगेज नहीं करना चाहिए, नैरोगेज की स्पीड बढ़ानी चाहिए। क्योंकि ब्रॉडगेज ट्रेन आने से जो इसकी सुंदरता है, जो इसका पर्यटक का वैल्यू है, एक तो वो भी खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हेरिटेज इसकी हेरिटेज लुक है, हेरिटेज जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी खत्म हो जाएंगी। तो कई ऐसी लाइनें, अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क, उसको भी पहले ब्रॉडगेज करने का प्लान था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया कि वो भी अभी हेरिटेज रेलवे की तरह चलेगी। तो मैं समझता हूं ये एक माउंटेन रेलवे और हेरिटेज रेलवे, ये हमारे देश की धरोहर है, इसको हमने बिगाड़ना नहीं चाहिए, और इसको तो प्रोत्साहन करके सुविधाजनक बना के इसको और आधुनिक बनाना चाहिए। जो एरिया रेलवे से जुड़े नहीं है, अब पहले फेज में इन दोनों को इतना सुधार दें तो और पर्यटक और लोकल हिमाचलियों की सेवा बढ़ जाए, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। तो मेरा मानना है कि इस पर प्रायोरिटी करके करने में ज्यादा लाभ होगा। सर, आम बजट पेश करने वाले, दुर्भाग्य से हमारे देश ने और खासतौर पर रेलवे विभाग ने हर एक चीज को चुनावी दृष्टिकोण से देखा है, पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी चुनाव और रेल की व्यवस्था या रोड की व्यवस्था या हवाई व्यवस्थाओं को नहीं जोड़ा। अगर हमें उस प्रकार से करना होता तो पहले की तरह एक चुनाव में हम अनाउंसमेंट करते, जब कांग्रेस थी तब एक चुनाव में अनाउंसमेंट करती थी, दूसरे चुनाव में सर्वे शुरू करती थी, तीसरे चुनाव में सर्वे की फाइंडिंग्स निकालती थी, चौथे चुनाव में सैंक्शन करती थी, पांचवें चुनाव में थोड़ा सा पैसा देती थी, करते करते 2014 में जब हमारी सरकार आई तो ऐसी सैकड़ों प्रोजेक्ट्स देश भर में मिले जो अनाउंस हो चुके हैं, किधर सर्वे हो चुके हैं, किधर 25-50-100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, ना कोई ठिकाना है प्रोजेक्ट का, ना कोई जमीन का ठिकाना है। जो प्रोजेक्ट 100 करोड़ का था अब 1000 करोड़ का हो गया, पैसे है नहीं रेलवे के पास। तो इस प्रकार के बेबुनियादी राजनीतिकरण के कारण रेलवे की दुर्दशा देश भर में हुई है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने रेलवे का बजट भी बंद किया, उसको मेन बजट के साथ जोड़ा, जिससे राजनीतिकरण रेलवे का खत्म हो और वास्तव में सेवा भाव से और देश की आर्थिक और एक प्रकार से लोगों को जोड़ने वाली जो एक रेलवे बनाने का कल्पना की गई थी, वैसी कल्पना को लेकर 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। 2.5 गुना निवेश
इस 5 वर्षों में हुआ है पिछले 5 वर्षों के निस्पत 2.5 गुना निवेश। सेफ्टी पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है कि जहां 118 एक्सीडेंट होते थे 4 साल पहले, पिछले वर्ष सिर्फ 73 एक्सीडेंट हुए हैं रेलवे में। कहा फेटलिटीज 200-250 होती थी हर वर्ष, अब उस विषय में मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, डर भी लगता है क्योंकि ये तो थोड़ा कुदरती मामला है, लेकिन ये वर्ष सबसे कम फेटलिटीज वाला वर्ष गया है। तो मैं समझता हूं कि रेलवे एक ऐसी चीज है जिसमें राजनीति के बगैर एक प्रकार से जनता की सुविधा, पर्यटन को गति और आर्थिक विकास में तेज प्रगति हो, इस रूप में रेलवे को चलाने की और बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। धन्यवाद। थैंक यू।